जय गुरुदेव जी महाराज। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आशा करते हैं आप सभी लोग गुरुदेव की कृपा से स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। भक्तों की जिंदगी में एक ऐसा अद्भुत समय आता है जिसका वह सामना नहीं कर पाते, वह डर जाते हैं ऐसे अद्भुत समय से। ऐसा समय उनको जिंदगी में उथल पुथल मचा देता है। हर तरफ उनको निराशा ही निराशा दिखाई देती है और वह हर तरफ से टूट जाते हैं। भगवान पर जो विश्वास कायम था वह भी बिखर जाता है। ऐसी कठिन घड़ी में, ऐसे विचित्र समय में भगवान की भक्ति छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। वह निर्णय नहीं कर पाते कि आगे अब क्या किया जाए। जिस सुख प्राप्ति का सपना देखा है या देख रहे हैं वह दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। जो भक्त हर स्थिति में परिस्थिति में भगवान पर विश्वास और भरोसा रखता है और अपनी भक्ति सदा बनाए रखता है, तो समझ लीजिए साफ शब्दों में वह भगवान की परीक्षा में पास है। और जो भक्त जरा सा भी डर गया, बहक गया या फिर डगमगा गया और अपनी भक्ति को छोड़ दिया, तो समझ लीजिए कि वह भगवान की परीक्षा में फेल है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान आपकी परीक्षा कब और कैसे लेते हैं। आपको महसूस होने लगे कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, उस समय आपके साथ कौन कौन सी घटना घटने वाली है या होने वाली है। संसार के प्रत्येक भक्त के जीवन में ऐसा समय आता है, ऐसी जटिल और गंभीर परिस्थिति आ जाती है कि वह भक्त पूरी तरह से टूट जाता है, उसका ईश्वर से विश्वास भी टूट जाता है। ऐसे गंभीर स्थिति में कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि वह ईश्वरीय भक्ति से दूर चले जाते हैं। वह भगवान का नाम लेना और जाप करना बिल्कुल छोड़ देते हैं, अर्थात वह नास्तिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। उनको ये समझ ही नहीं आता कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जो भक्तजन हमेशा प्रतिदिन पूजा पाठ और जाप करते हैं तो उनके मन में ये धारणा रहती है कि हमारे साथ कभी भी कोई बुरा भला नहीं होगा। हम जो भी भगवान से मांगेंगे या प्रार्थना करेंगे वह स्वतः हमें अपनी इच्छा के अनुसार मिलेगा। हमें हमेशा सुख ही सुख की प्राप्ति होगी, हर तरफ से खुशियों का आगमन होगा। हम जो चाहेंगे वह हमें मिलेगा। परंतु वह भूल जाता है कि भगवान अगर पूरा सुख आपको दे देंगे तो आपके हिस्से का दुख किसको देंगे। इस संसार में हर व्यक्ति को सुख दुख दोनों प्राप्त होते हैं। कभी सुख की प्राप्ति होती है तो कभी दुख की प्राप्ति होती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे दुख और सुख दोनों प्राप्त ना हुए हों। सुख और दुख दोनों ही आपके कर्मों पर निर्धारित है। कोई व्यक्ति निरंतर ऐसे कर्म नहीं कर सकता जिससे उसको सुख ही सुख प्राप्त हो, और कोई व्यक्ति निरंतर ऐसे कर्म भी नहीं कर सकता जिससे उसको केवल दुख ही दुख प्राप्त हो। अर्थात ये सब प्रकृति का नियम है। दुख के बाद सुख है और सुख के बाद दुख। प्रत्येक व्यक्ति को इस दुनिया में दुख और सुख दोनों से ही एक ना एक दिन गुजरना ही पड़ता है। ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। पर हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, चाहे वह कितना भी कठिन समय क्यों ना हो, अपना विश्वास और भरोसा भगवान पर रखना चाहिए। भगवान पर अपना अटूट विश्वास और अटूट भक्ति हमेशा कायम रखना चाहिए। अटूट भक्ति गोस्वामी तुलसीदास में देखने को मिलती है। तुलसीदास श्री राम और हनुमान जी के अनंत भक्तों में गिने जाते हैं। कहा जाता है उनको जब शारीरिक पीड़ा हुई, उनके शरीर पर घाव हो गए, बीमारी अत्यधिक बढ़ गई, तब उन्होंने हनुमान जी से विनती की, प्रार्थना की अपनी शारीरिक पीड़ा को दूर करने के लिए, पर पीड़ा ठीक नहीं हुई।
फिर भी उन्होंने अपना विश्वास हनुमान जी के प्रति नहीं तोड़ा। वह अटूट भक्ति करते रहे और अपनी प्रार्थना कहते रहे। उसके बाद हनुमान जी की परम कृपा के कारण उन्होंने हनुमान साटिका की रचना की और उनकी शारीरिक पीड़ा ठीक हो गई। ऐसी होनी चाहिए भगवान पर अटूट विश्वास और अटूट भक्ति। हनुमान साटिका एक ऐसा स्रोत है जिससे शारीरिक पीड़ा पर विजय प्राप्त की जा सकती है। ऐसे लोग जिन्होंने भगवान पर विश्वास नहीं तोड़ा, चाहे कितनी भी मुश्किलें और कठिन परिस्थिति आ जाए, भय अडिग रहते हैं, पूर्ण भक्ति करते हैं और भगवान के साथ रहते हैं, भगवान उनके जीवन को हमेशा सुखदमय बनाते हैं। सुख आपको तभी अच्छा और अनमोल लगता है जब आपने कभी दुख भोग रखा हो, तभी आपको पता होता है सुख का मूल्य। जैसे एक भूखे व्यक्ति को अन्न का मूल पता रहता है, वह जानता है कि अन्न जीने के लिए कितना जरूरी है। वैसे ही जिसके पास घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, उस व्यक्ति को घर और कपड़ों का महत्व पता रहता है। जब आपके जीवन में दुख आते हैं, तभी आपको सुख का अनुभव होता है, अर्थात सुख का सही मूल्य पता चलता है। जो व्यक्ति इस प्रकार सोचते हैं कि भगवान उनका साथ नहीं देते हैं, उनकी किसी प्रकार की मदद नहीं करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि भगवान दुख को ना तो कम करते हैं और ना दुख को हटाते हैं। ये बस आपको शक्ति प्रदान करते हैं, आपकी क्षमता बढ़ाते हैं, जिससे आप दुख को आसानी से काट सकें, उसमें आनंद ले सकें। भगवान जब आपकी परीक्षा लेते हैं, तो वे आपको इस लायक बना देते हैं कि आप उनकी परीक्षा में पूर्ण रूप से सफल हो सकें। यही है अटूट भक्ति। भगवान की परीक्षा थोड़ा कठिन जरूर है, वह भक्त का विश्वास देखते हैं कि वह कब तक टिका हुआ है। हमें भगवान की परीक्षा में सत्य का पालन करते हुए अपने आप को खरा उतारना पड़ेगा, उसके बाद ही भगवान हमें स्वीकार करेंगे। जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो कैसे लेते हैं, आप कैसे समझ पाएंगे कि वह आपकी परीक्षा है और वह परीक्षा ले रहे हैं। अब आप समझिए कि भगवान जब आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं, तो ऐसा संकेत आपके जीवन में होता है। आप खाना खा रहे होते हैं और उसी समय आपके दरवाजे पर कोई भूखा दस्तक दे दे, या कोई गाय आपके दरवाजे पर आ जाए, कोई कुत्ता आपके दरवाजे पर आ जाए और आप अपनी थाली में से उसे खाना दे दें और उसको भोजन करा दें, ये बहुत बड़ा महादान कहा जाता है। अपनी थाली से भोजन देना कहा जाता है कि अपने मुंह का निवाला देना। अगर ऐसे लक्षण आपके जीवन में आए, तो समझ लीजिए कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं और आप इस परीक्षा में पास हुए। आप कहीं जा रहे हैं और कोई व्यक्ति ठंड से परेशान है, वह कांप रहा है और उसे देखकर आप दुखी हो जाते हैं। आपके मन में उसके लिए दया का भाव पैदा होता है। आप कोई गर्म कपड़ा या कोई अपना स्वेटर या कोट उसको दे देते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा दान है। किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना, किसी के तन को ढकना बहुत बड़ा दान है। कहा जाता है भगवान की बनाई हुई दुनिया के जीव जंतु, जो भी लोग असहाय हैं, गरीब हैं, अपंग हैं या विकलांग हैं, उन सब की आर्थिक मदद करना, जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करना सबसे बड़ा दान होता है। ऐसे महान दान से भगवान खुश होते हैं और भगवान की परीक्षा में पूर्ण रूप से सफल होते हैं। अब इसी के साथ आज्ञा दीजिए, मिलते हैं फिर अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।